हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने एवोकाडो के बारे में सुना होगा। एवोकाडो एक सुपर फूड माना जाता है और ये बिलीव है कि ये लगभग 5000 साल पुराना फ्रूट है। एवोकाडो इस टाइप का एक फ्रूट होता है। मेरे हाथ में आज ये पहली बार आया है। आज हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है और इसके अंदर से एक बीज भी निकलता है वो कैसा होता है, वो आज हम इसको काट के देखने वाले हैं। एवोकाडो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये पोटेशियम रिच फूड होता है, फाइबर रिच फूड होता है, इसलिए इसको एक सुपर फूड माना जाता है और ये काफ़ी महंगा भी मिलता है। तो ये एवोकाडो है, हम इसको छीलते हैं और इसका टेस्ट देखेंगे हम कि कैसा टेस्ट इसका होता है। तो ये छिलका जब हम इसके ऊपर से उतारते हैं ऐसे, तो आप देख रहे होंगे एक ये ग्रीनिश टाइप का फ्रूट है, अंदर से ग्रीन है ये। मैं इसको थोड़ा छील देता हूँ ऐसे और इसी को हम टेस्ट करके देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है। दिखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, खा के देखते हैं कि कैसा है। और ये बात तो सत्य है कि जो चीज़ें सेहत के लिए अच्छी होती हैं उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, और जो जितना ज़्यादा टेस्टी होगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता भी नहीं है सेहत के लिए। मैंने इसको खाया नहीं, सुना बहुत बार है, पहली बार मुझे मिला है, तो मैं इसको खा के देखता हूँ टेस्ट कैसा है। किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है बिल्कुल, लेकिन अच्छा है, टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं है। आप खाओगे तो आपको किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो तो मे भी आपको इसमें अंडे जैसा टेस्ट आ सकता है, कि जैसे अंडे को बॉयल करके खाते हैं ना, थोड़ा बहुत वैसा टेस्ट मिल रहा है इसके अंदर। जब इसको अंदर से काटते हैं हम, तो इसका बीज देखते हैं कितना बड़ा, बीज भी काफ़ी बड़ा है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर इतना बड़ा बीज है, ये देखिए, ये छील गए, पूरा गेंद जितना बड़ा बीज, जैसे गेंद गेंद है बच्चों को खेलने की, को ऐसा है, इतना बड़ा इसके अंदर से बीज निकलता है, इतना बड़ा। और ये जब हम प्लांट करेंगे तो इसमें से नया एवोकाडो निकल जाता है। लेकिन देखो, नेचर ने ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ें बनाई हैं, बट हम क्या करते हैं कि पैकेज्ड फूड के पीछे ज़्यादा चल रहे हैं, और पैकेज्ड फूड की वजह से आप देख रहे हो कि आजकल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि हम नेचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपना जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, और बिजी लाइफस्टाइल में हम जो नेचर के हमारे पास गिफ्ट थे उसको भूल के और ऐरे गहरे गलास चढ़ा पता नहीं क्या क्या खाते जा रहे हैं, और उसका परिणाम आप देख भी रहे हो आपकी सेहत के ऊपर। तो कभी आपको मिले एवोकाडो तो ज़रूर टेस्ट करके देखना। अब क्योंकि मैं तो पूरा वेजिटेरियन हूँ, खा के देखा तो मुझे बिल्कुल अंडे जैसी फीलिंग आ रही है इसके अंदर से। अब आप ये सोच सकते हो कि वेजिटेरियन आदमी को क्या पता कि अंडे का स्वाद कैसा होता है। तो इतना भी वेजिटेरियन नहीं हूँ, एक दो बार अंडा मैंने खा के देखा है शौक शौक में, तो इसलिए पता चला मुझे कि इसका जो टेस्ट है वो अंडे जैसा ही है। बट एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ कि जो चीज़ें सेहत के लिए अच्छी होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्टी हो, ठीक है। तो मैं इसका आनंद लेता हूँ, आप वीडियो का आनंद लीजिए। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।